हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए वो है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। देखिए यूनिट थ्री हमारी चल रही है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसमें जो टॉपिक है आपका आज का टॉपिक रहेगा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, उसके बारे में देखिए बता दूँ, जो टारगेट हमारा रहेगा आज वो रहेगा कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर काम करता है। आपको आज ये सिखाया जाएगा कि आपके घर में जो फ्रिज रखा है वो फ्रिज पानी को बर्फ कैसे बना देता है, पानी को ठंडा कैसे कर देता है, खाने का टेम्परेचर को कम कैसे कर देता है, सब्जियों को ताज़ा कैसे रखता है, वो सब आपको समझाएगा। ठीक है नहीं, अब तक तो आप समझते, आपको पता है कि फ्रिज ये काम करता है, लेकिन कैसे करता है ये आज आप सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करूंगा मैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का काम होता है खाने को प्रिजर्व करना, यानी खाना मतलब फिश हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया आपका, या आपका जो है आइसक्रीम हो गई आपकी, मीट हो गया, मिल्क हो गया, इन सबको प्रिजर्व करने का काम करता है और पानी से बर्फ बनाने का काम करता है। ठीक है नहीं, पानी को ठंडा करने का काम करता है, यानी कहीं ना कहीं जो भी आप सब्सटेंस फ्रिज के अंदर रख रहे हैं वो उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करता है। भाई आप कोई भी कंपोनेंट उसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे थोड़ी देर में उसका टेम्परेचर कम जाएगा। तो मेन जो प्रोसीजर है आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का वो क्या है कि जो भी सब्सटेंस आप फ्रिज के अंदर रख रहे हैं वो उसके टेम्परेचर को कम कर रहा है, यही तो है। अब बात करते हैं, देखिए ये होता कैसे है, जो टेम्परेचर कम हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फ्रिज के अंदर ऐसा क्या है कि वो टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है, और जो टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है वो है रेफ्रिजरेंट, जिसे आप देसी भाषा में कहते हैं गैस। कहते हैं नहीं कि भी गैस खत्म हो गई, तो जो वो रेफ्रिजरेंट है आपका, वो रेफ्रिजरेंट क्या करता है, वो जब फ्रिज के अंदर एंटर करता है तो उसका टेम्परेचर लगभग -25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और जो फ्रिज है आपका, जो कैबिनेट है, जिस कैबिनेट में आप सब्जी फल दूध वगैरह रख रहे हैं, उस कैबिनेट का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की होती है, तो आपकी उस स्पेस की हीट उस रेफ्रिजरेंट में चली जाती है और रेफ्रिजरेंट उस हीट को एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फ्रिज का जो कैबिनेट है उससे बाहर आ जाता है। ठीक है नहीं, यही प्रोसेस चलता रहता है। रेफ्रिजरेंट बार बार फ्रिज के अंदर आता रहता है, जब फ्रिज के अंदर आता है तो उसका टेम्परेचर -25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब फ्रिज के बाहर जाता है तो उसका टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री। यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक फ्रिज आपका पूरी तरह ना हो जाए। अब ये प्रक्रिया जो रेफ्रिजरेंट है जो घूम रहा है वो किस किस कंपोनेंट से होकर जाता है, तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के मेन कंपोनेंट है स्टूडेंट्स आपके वो है कंप्रेसर, कंडेंसर, और ये आपका जो थर्ड है यहाँ पर इवेपोरेटर नहीं आएगा, यह आएगा आपका एक्सपेंशन वाल्व। क्या आएगा? एक्सपेंशन वाल्व आएगा, और फोर्थ कंपोनेंट आपका आएगा इवेपोरेटर। ठीक है नहीं, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तीनों जो कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, सॉरी कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है आपका, और आपका कंप्रेसर है, यानी इवेपोरेटर को अगर मैं छोड़ दूं तो ये तीनों कंपोनेंट आपके फ्रिज की बैक साइड में लगे हुए होते हैं, फ्रिज के बाहर, और फ्रिज का जो कैबिनेट है उस कैबिनेट के अंदर केवल और केवल आपका इवेपोरेटर ही लगा रहता है। ठीक है नहीं, ये तीनों कंपोनेंट बाहर से आउटसाइड से काम करते हैं। ठीक है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये जो सिस्टम है आपका, ये सिस्टम एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज होता है। सबसे पहले नंबर आता है इवेपोरेटर का, फिर नंबर आता है कंप्रेसर का, फिर आता है कंडेंसर का, फिर आता है एक्सपेंशन वाल्व का, फिर इवेपोरेटर, फिर कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, फिर एक्सपेंशन वाल्व। यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है और आपका रेफ्रिजरेंट इसी के अंदर घूमता रहता है। ठीक है नहीं, अब वो काम कैसे करता है वो मैं आपको सारा बताऊंगा। अब सबसे पहले देखिए, अब ये फ्रिज की थोड़ी सी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर ये कंप्रेसर लगा हुआ है, आप फ्रिज में देख सकते हैं, अपने आपके घर में जो फ्रिज है आप देखिएगा, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे कैसे आपका फ्रिज ठंडा हो रहा है। ठीक है नहीं, ये आपका यहाँ पर कंप्रेसर लगा है, कंप्रेसर के बाद रेफ्रिजरेंट यहाँ से कहाँ चला जाता है, ये आपका यहाँ से चला जाता है कंडेंसर में, और कंडेंसर में जाने के बाद वो कहाँ चला जाता है,
कंडेंसर में जाने के बाद चला जाता है कैपिलरी ट्यूब में या एक्सपेंशन वाल में। कैपिलरी ट्यूब को भी एक्सपेंशन वाल भी कहते हैं, थ्रोटलिंग डिवाइस भी कहते हैं। और एक्सपेंशन वाल के बाद वो कहाँ चला जाता है, इवेपोरेटर में। और इवेपोरेटर में जाने के बाद फिर से दोबारा से वो कहाँ चला जाता है, आपका कंप्रेसर में चला जाता है। यही प्रोसेस आपका बार बार चलता रहता है और आपका फ्रिज ठंडा हो जाता है। ये डायग्राम आप इधर देख रहे होंगे, देखिए इस तरह की जो जाली लगी हुई होती है ये कंडेंसर होती है आपकी, और जो फ्रिज में नीचे ब्लैक बॉक्स लगा रहता है ये आपका कंप्रेसर होता है। ठीक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए फ्रिज के पीछे इस तरह का आपका जो ब्लैक बॉक्स लगा रहता है इसे कहते हैं कंप्रेसर। ठीक है, नहीं आपका जो रेफ्रिजरेंट है, जो रेफ्रिजरेंट आपके फ्रिज से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और बाहर रिलीज कर रहा है, उस पूरी प्रक्रिया को करने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो इसी का कंप्रेसर का ही है। ठीक है, नहीं कंप्रेसर ही रेफ्रिजरेंट को इस लायक बनाता है कि वो क्या करे, वो हीट को एब्जॉर्ब करे और रिलीज करे। तो मेन पार्ट यही है, वैसे तो सभी पार्ट का कुछ ना कुछ काम है लेकिन मेन यही है। ठीक है, नहीं अब आप देखिएगा, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम, मैंने यहां भी फ्रिज का दिखाया आपको, यहां पर आप देख सकते हैं यह है इवेपोरेटर। आप ये इस तरह का कैबिनेट होता है, देखिए जो फ्रिज के अंदर का कैबिनेट है जिसमें आप बर्फ रखते हैं नहीं, बर्फ जमाने के लिए पानी रखते हैं, बर्फ निकाल लेते हैं, ये तो करते हैं, इसी के अंदर रखते हैं। इसमें देखिए अगर इवेपोरेटर के अंदर की बात करूं आपको, यहां पर ये कॉपर की ट्यूब इस तरह की नजर आ रही होगी, ये कॉपर की ट्यूब लगी रहती है जिनके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। आपको ये नजर नहीं आएगी फ्रिज में, क्योंकि क्या होता है जो कैबिनेट बना होता है, एक मेटल की शीट ली, कैबिनेट बनाया, फिर उसके ऊपर हमने क्या किया, कॉपर की वायरिंग की, जो आप जिसके अंदर जो है आपका कॉपर का जो पाइप होता है, कॉपर के पाइप को हम क्या करते हैं इस तरह से लपेट देते हैं उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर फिर एक चादर चढ़ा देते हैं मेटल, तो आपका वो क्या बन जाता है, वो आपका इस तरह का इवेपोरेटर। ठीक है, नहीं अब इसके अंदर देखिए क्या होगा, यहाँ पर इवेपोरेटर से, इवेपोरेटर के बाद क्या लगा हुआ होगा, इवेपोरेटर के बाद आपका यहाँ से ये कंप्रेसर लगा हुआ होगा, कंप्रेसर ये हो गया आपका, कंप्रेसर के बाद वो आपका रेफ्रिजरेंट कहाँ चला जाता है, कंडेंसर में चला जाता है, कंडेंसर के बाद कहाँ चला जाता है, एक्सपेंशन वाल्व में चला जाता है, एक्सपेंशन वाल्व के बाद फिर दोबारा से कहाँ चला जाता है, फिर वो दोबारा से आपका फ्रिज के अंदर एंटर, इवेपोरेटर के अंदर एंटर कर। ठीक है, नहीं यही प्रोसीजर आपका चलता रहता है। और यहाँ पर आपका लगा रहता है क्या, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट और लगा रहता है। थर्मोस्टेट का काम क्या है, थर्मोस्टेट फ्रिज को ऑटोमेटिक बनाता है, यानी जब आपका फ्रिज पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो वो कंप्रेसर को बंद कर देता है, और जब फ्रिज में थोड़ी बहुत मतलब ठंडक कम हो जाती है फिर वो कंप्रेसर को ऑन कर देता है। तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने का काम क्या करता है, थर्मोस्टेट करता है। ठीक है, नहीं तो अब आप देखिएगा, जो मैंने आपको चार कंपोनेंट्स बताए थे उन चारों कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इवेपोरेटर। ठीक है, नहीं तो इवेपोरेटर क्या है, जो आपका फ्रीजर का बॉक्स है वो फ्रीजर का बॉक्स आपका क्या कहलाता है, इवेपोरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इवेपोरेटर कहलाता है। और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो इन्हीं जो मैंने आपको बताई थी कि जो कॉपर की ट्यूब इसके अंदर लगी रहती है उसके अंदर क्या होता है, रेफ्रिजरेंट फ्लो करता रहता है। उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लगभग -25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वही रेफ्रिजरेंट, वही कॉपर की ट्यूब जो ठंडी होती है वही उस कैबिनेट की हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, अब वहां से जब वो एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो उस हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ठीक है, नहीं अब रिलीज कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको इवेपोरेटर के बारे में समझा रहा हूं कि इवेपोरेटर आपका एल्यूमिनियम का बॉक्स होगा, उस एल्यूमिनियम के बॉक्स के ऊपर आपकी कॉपर की ट्यूब लिपटी हुई होंगी जिनके अंदर -25 डिग्री सेंटीग्रेड का रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। ठीक है, नहीं और इसी इवेपोरेटर को, इसी जो आपका इवेपोरेटर जिसे कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसे जनरल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, फ्रीजर, कूलर या चिलर। ठीक है, नहीं और आपका इवेपोरेटर कहाँ लगा हुआ होगा, आपका इवेपोरेटर कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में लगा हुआ होगा। इधर होगा आपका एक्सपेंशन वाल्व, फिर होगा आपका क्या, इवेपोरेटर, फिर वो चला जाएगा आपका कंप्रेसर। यानी इवेपोरेटर जो है वो कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं हम सेकंड कंप्रेसर की। ये कंप्रेसर है देखिए आपका इस तरह का जो ब्लैक बॉक्स लगे रहते हैं, यहाँ पर देखिए आपको दो, एक इनपुट एक आउटपुट नजर आ रहा है। यहाँ पर आपका जो है इवेपोरेटर से आपका रेफ्रिजरेंट इन करेगा और यहाँ से कंप्रेसर से आपका रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नहीं अब कंप्रेसर के अंदर जब आपका रेफ्रिजरेंट एंटर करता है उस समय कंप्रेसर का टेम्परेचर भी लो होता है, लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर भी लो होता है। तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर उस प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, नहीं जब कंप्रेसर के अंदर आपका रेफ्रिजरेंट
जाएगा, एंटर करेगा तो कंप्रेस उसे पिस्टन की हेल्प से क्या करेगा, पिस्टन की हेल्प से उसे कंप्रेस करेगा, और जब वो कंप्रेस करेगा तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब आपका इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट निकलता है, जब इवेपोरेटर के अंदर एंटर करता है रेफ्रिजरेंट तो लिक्विड फॉर्म में एंटर करता है, और जब इवेपोरेटर से बाहर निकल जाता है तो वो वेपर फॉर्म में निकलता है, ठीक है नहीं, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब करने से जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। आपको लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि कोई भी अपनी लेटेंट हीट के इक्वल अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, तो उसकी फेज चेंज हो जाती है। तो वो वेपर फॉर्म का लिक्विड वेपर फॉर्म का जो रेफ्रिजरेंट होगा वो इसके अंदर एंटर करेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो वेपर फॉर्म में ही बाहर निकलेगा। तो ये कंप्रेसर है आपका, कंप्रेसर को हार्ट ऑफ योर रेफ्रिजरेंट सिस्टम भी कहते हैं। रेफ्रिजरेंट सिस्टम का जो हार्ट है वो क्या है, कंप्रेसर, ठीक है नहीं। तो ये कंप्रेसर हो गया आपका, ये फ्रिज के बैक साइड में नीचे की साइड में आप देखेंगे लगा हुआ मिलेगा आपको। थर्ड आता है कंडेंसर, ये आपका कंडेंसर है, आप देख रहे होंगे इस तरह की एक जाली सी लगी हुई होती है, ठीक है नहीं, ये आपका कंडेंसर कहलाता है। कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर और हाई वेपर का जो सॉरी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जो वेपर रेफ्रिजरेंट निकलता है वो कंडेंसर के अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद इस तरह से इसके अंदर मूव करता है। जब वो ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, जो एटमोस्फेरिक एयर होगी वो उसके कॉन्टैक्ट में आएगी। अब जो इसके अंदर आपका टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का वो लगभग 55 से 60 डिग्री है, और एटमोस्फेयर का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री रहता है, जो रूम टेम्परेचर रहता है जहाँ पर हम फ्रिज को रखते हैं। तो क्या होगा, तो आपका जो हीट ट्रांसफर होगी वो रेफ्रिजरेंट से किस में हो जाएगी, वो रेफ्रिजरेंट से हो जाएगी आपकी किस में, एटमोस्फेयर में। तो जब आपका कंडेंसर से आपकी हीट एटमोस्फेयर में चली जाएगी तो आपका रेफ्रिजरेंट ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, यानी जो हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट था उसका टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, क्लियर है नहीं। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो उसका प्रेशर है वो लगभग हाई ही रहेगा, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है नहीं। लेकिन एक चेंज ये आएगा कि आपका जो वेपर फॉर्म में लिक्विड एंटर किया था कंडेंसर में, अब वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है उसने लेटेंट हीट के इक्वल हीट को रिलीज कर दिया, कहाँ रिलीज कर दिया, एटमोस्फेयर में। तो जब वो हीट को रिलीज कर देगा तो वो अपनी फेज को ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, ठीक है नहीं। जब तक उसकी फेज चेंज नहीं होगी तब तक कंडेंसर के अंदर वो हीट रिलीज करता रहेगा, और जैसे ही आपकी फेज चेंज होगी वो लिक्विड फॉर्म में वहां से बाहर आ जाएगा। तो ये काम है बच्चों आपका कंडेंसर का। कंडेंसर के बाद आती है आपकी एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व देखिए इस तरह की लगी रहेगी, एक बारीक सा जो आपका पाइप होगा इस तरह से वायर होगा, वो वायर इस तरह से निपटा रहेगा, ठीक है नहीं। बहुत कम डायमीटर, सबसे कम डायमीटर पाइप की जो होगी वो एक्सपेंशन वाल्व के टाइम ही होगी। एक्सपेंशन वाल्व में जब आपका देखिए कंडेंसर से आपका रेफ्रिजरेंट निकला, कंडेंसर का रेफ्रिजरेंट निकलने के बाद क्या हुआ, कंडेंसर का रेफ्रिजरेंट निकलने के बाद क्या हुआ, उसका जो टेम्परेचर था वो मीडियम हो गया लेकिन प्रेशर हाई रहा, और वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब वो एक्सपेंशन डिवाइस में जब एंटर करेगा तो वो मीडियम टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड फॉर्म में एंटर करेगा, लेकिन जब वो एक्सपेंशन डिवाइस से बाहर निकलेगा तो उसका प्रेशर भी लो होगा, उसका टेम्परेचर भी लो होगा, और जो उसकी स्टेट होगी वो लिक्विड ही होगी, यानी वो लिक्विड स्टेट में ही बाहर आएगा, क्लियर है नहीं। तो एक बात आपको ये भी समझ। अब इसके बाद इसका काम क्या हो गया, एक्सपेंशन वाल्व का, एक्सपेंशन वाल्व का काम आपका हो गया प्रेशर और टेम्परेचर को लो करना, ठीक है नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आता है आपका थर्मोस्टेट। देखिए थर्मोस्टेट क्या है आपका, आपका थर्मोस्टेट क्या है, थर्मोस्टेट क्या काम करता है, थर्मोस्टेट आपका ये काम करता है कि जब आपका जो फ्रिज है, जब आपका फ्रिज अंदर से पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तब क्या होगा, तब पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आपका जो थर्मोस्टेट है उसे सिग्नल मिल जाएगा कि आपका फ्रिज पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो वो क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। किसे बंद कर देगा, वो बंद कर देगा आपके कंप्रेसर, कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा। और आपने देखा होगा जब फ्रिज ठंडा हो जाता है तो फ्रिज आपको लगेगा कि फ्रिज चल ही नहीं रहा, वो इसीलिए नहीं चलता फ्रिज, क्यों, क्योंकि वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, और फिर अचानक से फिर फ्रिज चल जाता है आधे घंटे एक घंटे बाद, क्योंकि जब थर्मोस्टेट को लगता है कि फ्रिज का कुछ टेम्परेचर डाउन थोड़ा इंक्रीज हो गया या उसके अंदर जो है हीट ज़्यादा हो गई, तब वो क्या करेगा, तब वो कंप्रेसर को ऑटोमेटिक ऑन करेगा और कंप्रेसर फिर उससे हीट निकाल लेगा। जब आपका फिर से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उसके अंदर हीट रिलीज करने के, हीट एब्जॉर्ब करने के लिए बचेगी नहीं, फिर वो कंप्रेसर को बंद कर देगा। तो ऑटोमेटिक बनाने का काम जो करता है फ्रिज को वो करता है थर्मोस्टेट, ठीक है नहीं। अब इसके बाद आपकी आती है वर्किंग।
अब वर्किंग समझिएगा, देखिए कैसे वर्किंग है। देखिए यहां पर एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, इस डायग्राम में ये जो आपका डैश डैश करके कैबिनेट बना है, ये है रेफ्रिजरेटर कैबिनेट, यानी ये फ्रिज के अंदर का पोर्शन है, बाकी सब जो इधर वाला पोर्शन है फ्रिज के बाहर का पोर्शन, ठीक है नहीं। अब इसमें देखिए होता क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो एक क्लोज साइकिल पर काम करता है, आपका रेफ्रिजरेंट उसी कंपोनेंट में क्लोज साइकिल में बार बार घूमता रहता है, ठीक है नहीं। और इसके अंदर जो हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो करते हैं F12, ऐसे कहते हैं फ्रियोन 12, ठीक है नहीं। F12 भी कह देते हैं, R12 भी कह देते हैं, जनरली हम ये यूज करते हैं। और रेफ्रिजरेंट जो है आपका, आपका रेफ्रिजरेंट पूरे सिस्टम में दो बार फेज को चेंज करेगा। मैंने आपको बताया था, एक बार कंडेंसर में, जब आपका रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाएगा तो वो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और दूसरी बार जब आपका रेफ्रिजरेंट वेपरेटर में जाएगा तो वो लिक्विड से वेपर में, ये ध्यान रखना। दो बार कंडेंसर चेंज होगी रेफ्रिजरेंट, एक बार वेपरेटर में, एक बार कंडेंसर, ठीक है नहीं। उसके बाद जो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आपका जिस साइकिल पर काम करता है वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट साइकिल। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट साइकिल क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ठीक है नहीं। और जो इवेपरेटर होता है आपका, आपका जो इवेपरेटर होता है वो सबसे जो जो सबसे ऊपर वाला कैबिनेट होता है फ्रीजर का, जो फ्रिज का ऊपर वाला कैबिनेट क्या होता है, फ्रीजर, वहीं पर आपका इवेपरेटर लगा हुआ होता है, फ्रीजर को ही इवेपरेटर कहा जाता है, ठीक है नहीं। और जो इवेपरेटर होता है उसका टेम्परेचर लगभग -15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस पोर्शन में आप बर्फ जमा रहे हैं उस पोर्शन का अगर आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो लगभग -15 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग का मतलब ये नहीं कि -15 ही आएगा, -15 भी आ सकता है, -10 भी आ सकता है, लगभग जो एवरेज रहता है -15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है नहीं। जब आपका फ्रिज ठंडा हो जाता है तब -15 डिग्री टेम्परेचर उसका हो जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए सबसे ठंडा पार्ट कौन सा हुआ, सबसे ठंडा पार्ट जो हुआ वो ऊपर वाला हुआ जिसके अंदर आप बर्फ जमा रहे हैं। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जो -15 डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्यों है, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर जो आपको ये इवेपरेटर नजर आ रहा है, इस इवेपरेटर में जो कॉपर की ट्यूब आपको लगी हुई नजर आ रही है, यहां से आपका क्या कर रहा है, देखिए ये डायरेक्शन है आपका, आपका जो इवेपरेटर के अंदर जो कॉपर ट्यूब लगी है वो इस तरह से आपका रेफ्रिजरेंट जा रहा है, यहां से नीचे से और ऊपर से यहां से बाहर निकल, ये हो गया इन आपका और ये हो गया आपका आउट। अब जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है बच्चों, उस रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो लगभग -25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है लगभग? -25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है नहीं। अब जो -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो ये क्या करेगा, जो उसके अंदर की हीट होगी उसे एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कैसे करेगा ये सुन लो, हीट को एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है। अब आप एक चीज बताओ, आपने देखा होगा जब फ्रिज ठंडा हो जाता है, जब आप फ्रिज को खोलते हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर हवा सी चलती रहती है ठंडी ठंडी, आपको थोड़ी सी मतलब मिल्की मिल्की सी हवा लगेगी, वो वाइट वाइट सी वो आपको दिखेगी भी, इसके अंदर तो हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आती आती है नहीं। वो हवा कैसे ठंडी हो रही है ये देखेगा, आपके फ्रिज के अंदर की जो एयर है, आपके फ्रिज के अंदर की जो एयर है वो एयर जब उस -25 डिग्री सेंटीग्रेड के जो ट्यूब है, जिन ट्यूब में आपका रेफ्रिजरेंट घूम रहा है, उस ट्यूब के कॉन्टेक्ट में आएगी तो क्या होगा, आपकी एयर ठंडी हो जाएगी। आपकी जो एयर होगी उस एयर की हीट कहाँ चली जाएगी, उस रेफ्रिजरेंट के अंदर, उन ट्यूबों के अंदर चली जाएगी और आपकी एयर ठंडी हो जाएगी। और ठंडी एयर की डेंसिटी, जो कोल्ड एयर होती है, कोल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है नहीं। अगर आप एयर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी डेंसिटी भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, और जब उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो फ्रिज के नीचे की ओर मूव करने लगेगी। नीचे की ओर मतलब जिस ओर आपने सब्जी वगैरह रखी है, कोई सबसे पहले हम बर्फ जमाते हैं, फिर दूध वगैरह रखते हैं, पानी रखते हैं, सबसे नीचे वाला कैबिनेट होता है जिसमें सब्जी फल वगैरह रखे जाते हैं, है नहीं। तो वो एयर आपकी कैबिनेट में ऊपर से नीचे और मूव करने लगेगी। जब वो एयर ठंडी एयर ऊपर से नीचे जाएगी तो नीचे का टेम्परेचर तो कम रहता है, ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो जब वो नीचे जाएगी तो नीचे का टेम्परेचर कम है और एयर जो है ठंडी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, वो जो नीचे का कम टेम्परेचर है, सॉरी एक गलती हो गई, जो ऊपर से जो ठंडी हवा जा रही है उसका टेम्परेचर कम होता है, ऊपर से जो ठंडी हवा जा रही है उसका टेम्परेचर कम है और जो नीचे का पोर्शन है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। थोड़ा सा ये करेक्शन कर लेना,
भाई ऊपर से जो हवा गई, ऊपर से जो एयर आई, वो ऊपर से एयर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई। जब एयर की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो वो ऊपर से नीचे की ओर मूव करने लगी। जब वो ऊपर से नीचे की ओर जाएगी तो क्या होगा भाई, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन का टेम्परेचर ज्यादा है और एयर का टेम्परेचर कम है, तो नीचे वाले की जो पोर्शन की जो हीट होगी, वो जो ठंडी हवा है, जो आपकी कोल्ड एयर है, वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। और जैसे ही कोल्ड एयर हीट को एब्जॉर्ब करेगी, उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, होगी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा एयर का, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज होगी नहीं, क्योंकि जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका क्या होगा, आपका जो डेंसिटी है एयर की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है नहीं। और जब डिक्रीज होगी डेंसिटी तो क्या होगा, आपकी एयर फिर नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगी। जब नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगी, वो जब ऊपर जाएगी फिर से वो रेफ्रिजरेंट से टकराएगी, जो ट्यूब है रेफ्रिजरेंट की, उनसे टकराएगी, फिर से अपनी हीट वो किसे दे देगी, वो हीट वो किसे दे देगी, रेफ्रिजरेंट को दे देगी, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ये चलता रहेगा, ठीक है नहीं। यानी जो उसके अंदर एयर घूम रही है, जो उसके अंदर फ्रिज के अंदर एयर है, वो कर रही है फ्रिज को ठंडा करने का काम, ठीक है नहीं। वो पहले क्या करती है, एक बार दोबारा से समझा दूं, कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आपको, पहले वो रेफ्रिजरेंट के कॉन्टैक्ट में आती है, जो रेफ्रिजरेंट की ट्यूब है, उनसे कॉन्टैक्ट में आने के बाद एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है और एयर कोल्ड एयर बन जाती है। जब कोल्ड एयर बन जाएगी तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जब उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो नीचे की ओर मूव करेगी। जब वो नीचे की ओर मूव करेगी तो नीचे का जो पोर्शन है वहां का टेम्परेचर ज्यादा है। जब वहां का टेम्परेचर ज्यादा है तो कोल्ड एयर वहां की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। जब वो वहां की हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, वो कोल्ड एयर हॉट एयर हो जाएगी, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, और डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वो नीचे से ऊपर की ओर दोबारा से मूव करने, ठीक है नहीं, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज होने पर नीचे जाएगी, डिक्रीज होने पर ऊपर जाएगी। जब फिर एयर आपकी ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके किससे टकराएगी, वो इवेपोरेटर से टकराएगी। वो फिर अपनी हीट किसे दे देगी, इवेपोरेटर को दे देगी, और फिर ठंडी होकर फिर नीचे, यही प्रोसेस एयर का चलता रहेगा, वो ऊपर नीचे घूमती रहेगी और फ्रिज को ठंडा करती रहेगी, ये काम उसके अंदर चलता है, ठीक है नहीं। ये नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। अगर मैं बात करूं देखिए फ्रीजर की, तो फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है जिसमें बर्फ जमाई जाती है, उसका टेम्परेचर रहता है लगभग -15°C। और जो नीचे का कैबिनेट होता है जिसमें आप क्या रखते हैं, खाने का सामान रखते हैं, सब्जी रखते हैं, फल रखते हैं, मक्खन रखते हैं, दूध रखते हैं, उसका टेम्परेचर जो एवरेज रहता है वो लगभग 7°C रहता है। आप फ्रिज में जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है नहीं। ऊपर टेम्परेचर कम रहेगा, नीचे का टेम्परेचर आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है नहीं। आपने देखो कि फ्रीजर के नीचे एक चिलर ट्रे रहती है, उस चिलर ट्रे का टेम्परेचर बस इवेपोरेटर के बाद उसका टेम्परेचर कम रहेगा, फिर नीचे, सॉरी, जो इवेपोरेटर का टेम्परेचर होगा उसका मान ले -15°C है, तो चिलर ट्रे का लगभग आपका 5°C, 0°C के लगभग रहता है, 0°C के लगभग रहता है। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे फ्रिज के कैबिनेट में, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला, ठीक है नहीं, ये ध्यान आपको रखना। अब इसके अंदर देखिए होगा क्या, जब आपका जो रेफ्रिजरेंट है, उस रेफ्रिजरेंट ने यहां से हीट एब्जॉर्ब कर ली, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो रेफ्रिजरेंट -25°C का था, जब वो बाहर आएगा इवेपोरेटर से, उस रेफ्रिजरेंट के उस कैबिनेट से बाहर आएगा, तो उसका टेम्परेचर होगा, हो जाएगा लगभग 5°C, ठीक है नहीं। तो वो 5°C का रेफ्रिजरेंट गया था तो लिक्विड फॉर्म में, बाहर निकलेगा वेपर फॉर्म में, और वो वेपर फॉर्म में कहां चला जाएगा, वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा आपका कंप्रेसर के अंदर। ये कंप्रेसर की डायरेक्शन नीचे कर लेना, कंप्रेसर उसे कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके उसके टेम्परेचर, उसके प्रेशर को इंक्रीज करेगा, और प्रेशर को इंक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद वो वेपर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का कंडेंसर के अंदर जाएगा। कंडेंसर के अंदर देखिए 55°C टेम्परेचर रहेगा रेफ्रिजरेंट का, एटमोस्फेरिक एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगी ट्यूबें, तो वो क्या करेगा, वो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट कहाँ दे देगा, कहाँ रिलीज कर देगा, एटमोस्फेयर में रिलीज कर देगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा हाई से, प्रेशर एज इट इज रहेगा, और आपका वेपर फॉर्म का रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और वही लिक्विड फॉर्म का रेफ्रिजरेंट कहाँ जाएगा, फिर वो घूमकर आपका आ जाएगा यहाँ कैपिलरी ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब या एक्सपेंशन वाल्व में, और एक्सपेंशन वाल्व में जाने के बाद उसका प्रेशर भी लो हो जाएगा, टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, उसका टेम्परेचर लगभग -25°C हो जाएगा, और फिर दोबारा से एक्सपेंशन वाल्व से आपका रेफ्रिजरेंट कहाँ एंटर करेगा,
फिर से इवेपोरेटर में एंटर करेगा और फिर से वही प्रक्रिया आपकी बार बार चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका फ्रिज ठंडा ना हो जाए। पूरी वर्किंग मैंने जो कि तू आपकी लिख दी, ठीक है, नहीं पूरी वर्किंग को आप समझ सकते हैं कि किस किस तरह से आपका फ्रिज काम कर रहा है। अगर फ्रिज की बात करूं, देखिए मैं आपको मार्केट में आपको बहुत सारे फ्रिज मिल जाएंगे, हर तरह के फ्रिज मिल जाएंगे, बहुत ही वाइड रेंज है फ्रिज की। वाइड रेंज कैसे, एक तो डिजाइन अलग अलग मिल जाएंगे आपको, या उसकी कैपेसिटी अलग अलग मिल जाएगी। जैसे आपका भी छोटा फ्रिज है उसमें कंप्रेसर छोटा लगा हुआ होगा, बड़े फ्रिज में बड़ा कंप्रेसर लगा होगा, तो टन इसके यूनिट टन होती है, तो टन इसके कम ज़्यादा हो सकते हैं, या इसकी डायमेंशन ज़्यादा हो सकती है कम हो सकती है। कूलिंग इन लीटर, 180 लीटर का फ्रिज है, 250 लीटर का फ्रिज है, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है नहीं। अब रेफ्रिजरेंट जो हम यूज करते हैं, देखिए जनरली पहले जो हम यूज करते थे वो R12 यूज करते थे। R12 से दिक्कत क्या थी कि R12 से जो ओजोन लेयर है उसे नुकसान पहुंच रहा था, ठीक है नहीं। तो उस नुकसान से बचने के लिए हमने R12 को रिप्लेस कर दिया किससे, HFC-134a से। ये नया रेफ्रिजरेंट आया मार्केट में जिस जो ओजोन लेयर को कम नुकसान पहुंच, क्लियर है नहीं। तो यही आपका जो दो रेफ्रिजरेंट है, जो आपका रेफ्रिजरेंट मैंने आपकी पूरी वर्किंग बताई है, यही वर्किंग बार बार चलती रहती है और आपका फ्रिज ऑटोमेटिक ठंडा रहता है, और वही रेफ्रिजरेंट सालों साल आपके फ्रिज को ठंडा करने का काम करता रहता है। तो ये था बच्चों आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। पूरे नोट्स मैंने अच्छे से बना दिए हैं, अच्छे से आप उसे पढ़ लेंगे, डायग्राम बना हुआ है, हर चीज़ मैंने आपको समझा दी है, इमेज से भी समझाने की कोशिश की है कि कौन सा कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है नहीं। तो अच्छे से पढ़ते रहें बच्चों, मेहनत करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।